गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और सभी लोग कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। आदित, तुम्हारे पास कंप्यूटर है कि नहीं? सर है इस समय लेकिन खराब है। खराब है? यस सर। सिग्नल ना कर पाते होगे। नो सर, नहीं कर पाते। चलो ठीक है, कॉपी में नोट करते जाना कम से कम कमांड, ठीक है? यस सर। तो आगे यूज में आएगा, ठीक। यस सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। इस समय हम पढ़ रहे थे डीएमएल कमांड, और डीएमएल के अंतर्गत हमने पढ़ा था स्टूडेंट कल डिलीट कमांड। ये मैंने आपको बताया था डिलीट कमांड, अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना। इसमें हम कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं और कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने बताया था इसके पहले भी डीडीएल के अंतर्गत एक आने वाला कमांड टर्नकेट, वो भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा सबसे पहले आज ये समझ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन, अक्सर पूछा जाता है, डिलीट एंड टर्नकेट। तो यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा स्टूडेंट, डिलीट इज ए डीएमएल कमांड। पहला अंतर तो ये है कि जो डिलीट है वो आपका डीएमएल कमांड है, और जबकि टर्नकेट कौन सा है, आपका डीडीएल कमांड है। एंड इज यूज टू व्हेन वी स्पेसिफाई द रो, जिनको टपल्स भी कहते हैं, दैट वी वांट टू रिमूव और डिलीट फ्रॉम द टेबल और रिलेशन। टेबल से रिकॉर्ड को एक तरह से डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं, जिसको रो भी कह सकते हैं या टपल्स भी कहते हैं। डिलीट कमांड कैन कंटेन्स द व्हेयर क्लॉज। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिलीट कमांड के साथ जो है वो क्या है, व्हेयर क्लॉज है। और जब व्हेयर क्लॉज है तो हम कंडीशन के आधार पर उसको यूज कर सकते हैं, कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। इफ व्हेयर क्लॉज इज यूज विद द डिलीट कमांड, then it remove or delete only those tuples that satisfy the condition, otherwise by default it remove all the tuples from the table। यदि हम where क्लास के यूज करते हैं, कल जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, और कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं, तो जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि कंडीशन जब सही होगी, तभी वो रिकॉर्ड को क्या करेगा, डिलीट करेगा। और यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो रिकॉर्ड आपके डिलीट नहीं होते हैं। और यदि हम कंडीशन स्पेसिफाई ही नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या है, जितने भी टपल्स होंगे, जितने भी रिकॉर्ड होंगे, सभी डिलीट हो जाएंगे। तो ये मेन हमने बताया किसके बारे में, डिलीट के बारे में। इसको कैसे यूज करते हैं ये आपने स्टूडेंट देखा ही, डिलीट जो उसका सिंटेक्स है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर और कंडीशन। अब बात करते हैं टर्नकेट की, दोनों के बीच में डिफरेंस लिख रहे हैं। यदि टर्नकेट की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस आपको दिख ही रहा है, टर्नकेट जो है डीडीएल कमांड है, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पे आता है, और जो है डिलीट है वो डीएमएल कमांड है। एंड इट एंड इज यूज टू डिलीट ऑल द रोज। सबसे बड़ा जो इसमें ड्रॉबैक कह सकते हैं हम, वो ये है कि ऑल द रोज, सारे रोज या सारे टपल फ्रॉम ए टेबल, सभी क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं। यदि हम टर्नकेट कमांड का यूज करते हैं तो उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अनलाइक द डिलीट कमांड, टर्नकेट कमांड डज नॉट कंटेन द व्हेयर क्लॉज। सबसे मेजर पॉइंट, जो टर्नकेट कमांड है उस पे व्हेयर क्लॉज नहीं पाया जाता है, जबकि हमारा किस पे, डिलीट पे व्हेयर क्लॉज था। हम कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते थे और कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन टर्नकेट में
फिर क्लॉज नहीं पा जाते। तो दो डिफरेंस आपको निकल के आए स्टूडेंट, पहला तो डिलीट जो है डीएमएल कमांड है, ट्रंकेट जो है डीडीएल कमांड है। दूसरा डिफरेंस, डिलीट में वेयर क्लॉज यानी कि कंडीशन स्पेसिफाई की जाती है, और जबकि ट्रंकेट में कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की जाती है। इन द ट्रंकेट कमांड इज ट्रांजेक्शन लॉग फॉर द ईच डिलीट डेटा पेज एंड रिकॉर्ड, यानी कि उसका पेज भी ये ट्रंकेट पूरी तरह से रिकॉर्ड को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। कैसे, उसका डिफरेंस भी बताऊंगा। पूरी तरह का मतलब क्या है, ट्रंकेट कमांड इज फास्ट है एंड बी कैन नॉट रोल बैक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये पूरी तरह से उसका जो स्पेस लिए होता है, जो कंटेन किए होते रिकॉर्ड, उस स्पेस को भी डिलीट करता है, पेज को ही डिलीट करता है। ट्रंकेट कमांड इज द फास्ट एंड वी कैन नॉट रोल बैक द डाटा आफ्टर यूजिंग द ट्रंकेट कमांड। सबसे मेजर डिफरेंस, यदि हम ट्रंकेट कमांड का यूज करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, हम रोल बैक नहीं कर सकते हैं। कल मैंने आपको दिखाया था स्टूडेंट, हमने डिलीट कमांड से रिकॉर्ड को डिलीट किया था और रोल बैक के माध्यम से फिर से वो रिकॉर्ड हम वापस ले आए थे। लेकिन यदि मैं ट्रंकेट का यूज करता हूं तो वो रिकॉर्ड वापस नहीं आ सकते हैं, रोल बैक यूज नहीं हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा मेजर डिफरेंस। सबसे पहले डिलीट डीएमएल कमांड, ट्रंकेट डीडीएल कमांड। दूसरा डिफरेंस, डिलीट के साथ वेयर क्लॉज, ट्रंकेट के साथ वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस, डिलीट किए गए रिकॉर्ड को रोल बैक के माध्यम से वापस लाया जा सकता है, उसमें रोल बैक का यूज किया जा सकता है, लेकिन ट्रंकेट के माध्यम से रोल बैक के माध्यम से रिकॉर्ड को वापस नहीं लाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, ये मेजर डिफरेंस। यूज कैसे करते हैं, हम ट्रंकेट भी यूज कर चुके हैं और डिलीट भी। ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम, सीधा टेबल नेम, सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। चौथा डिफरेंस आप बता सकते हैं, ट्रंकेट से सारे रिकॉर्ड एक साथ पूरे डिलीट होंगे, डिलीट से हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड या फिर ऑल रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं। यही कुछ डिफरेंस के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। डिलीट कमांड इज यूज टू द डिलीट स्पेसिफाई रो और मोर, वन या एक से अधिक रिकॉर्ड हम इसमें डिलीट कर सकते हैं डिलीट में। और व्हाइल दिस कमांड इज यूज ट्रंकेट, ट्रंकेट है, डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द टेबल, सारी रो एक साथ क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये आप डिफरेंस भी यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं और डिफरेंस लिख सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है डिलीट और ट्रंकेट बीच के डिफरेंस, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए मैंने डिलीट और ट्रंकेट को एक डिटेल में लेकर आया और आज एक पूरी क्लास में आपको बता रहा हूँ। अभी मैं प्रैक्टिकल करके भी इसको दिखाऊंगा। इट इज द डीएमएल कमांड, ये आपका डीएमएल कमांड है और ये आपका क्या है, डीडीएल कमांड है। देखा ये आपने कैटेगरी पे हमने बताया, देयर मे बी द वेयर क्लॉज इन द डिलीट, डिलीट के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, वेयर क्लॉज इन ऑर्डर टू फिल्टर द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को फिल्टर करके हम डिलीट कर सकते हैं। वेल देयर मे बी नॉट द वेयर क्लॉज, इसमें वेयर क्लॉज यूज नहीं करते हैं, इसलिए सारे रिकॉर्ड एक साथ डिलीट होते हैं। इन द डिलीट कमांड ए टपल यूज लॉग्ड बिफोर द रिमूविंग, ये थोड़ा सा आपको समझना है कि जो टपल्स होते हैं डिलीट कमांड में वो क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं बिफोर रिमूविंग से पहले। While this command is page is locked before the removing, see the page lock होता है, इसीलिए roll back नहीं होता है, delete होने से पहले page ही lock हो जाता है, इसमें roll back संभव नहीं है और इसमें roll back आपका हो जाता है। आगे, we can roll back the data even after using the delete command, यानी कि delete command को use करने के बाद हम roll back कर सकते हैं data को। While is इन दिस कमांड वी कैन नॉट रोल बैक, और इसमें हम रोल बैक यूज नहीं कर सकते। डिलीट कमांड इज स्लोअर देन द ट्रंकेट, और ये थोड़ा सा स्लो होता है और ये थोड़ा सा फास्ट होता है, और ये आपका फास्ट। ये मैंने डिफरेंस बताया स्टूडेंट डिलीट और ट्रंकेट के बीच में। तो ये डिफरेंस आपको कॉपी में नोट भी कर लेना है, लिख भी लेना है और समझ भी लेना है। लास्ट में मैं आपको एक पीडीएफ भी भेज दूंगा यदि आप चाहेंगे तो, नोट्स के रूप में, तो वो भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं, चलिए एज ए प्रैक्टिकली मैं आपको समझा देता हूँ कैसे वर्क करते हैं।
देखिए हमारे पास जो टेबल बनी हुई है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। एसटी इन्फो नाम की हमारी टेबल है, रिकॉर्ड हमारे पास ये है। अब मान के चलिए, मैंने कल बताया था ये ओरिकल 11G, इसको मैं एक दिन कमांड से भी बता दूंगा। इसके पहले जो ओरिकल चलता था स्टूडेंट, कमांड लाइन पे हमको काम करना पड़ता था, ये जीयूआई फॉर्मेट पे। अभी एक दिन मैं जीयूआई फॉर्मेट में टेबल क्रिएट करना भी इसमें बताऊंगा। और तो इसलिए इसको हम ऑटो कमिट हटा देते हैं। आज मैं दोनों को प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपको। ऑटो कमिट हमने हटाया। ऑटो कमिट का मतलब मैंने बताया था, ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन सेव होते रहते हैं, हमें अभी ट्रांजेक्शन सेव नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहले रिकॉर्ड डिलीट कमांड के माध्यम से, डिलीट फ्रॉम टेबल, टेबल नेम एस टी इन्फो, और इसमें मैं हर क्लास का यूज कर रहा हूँ, एस नेम इक्वल। आज मैं दूसरा आईडी से करता हूँ डिलीट, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। रोल नंबर इक्वल एस नेम से तो कल बहुत किया था, रोल नंबर 3 मैंने लिखा और सेलेक्ट किया, इस कमांड को रन किया, दो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे क्योंकि दोनों के रोल नंबर सेम थे 3। अब आप टेबल चेक करेंगे स्टूडेंट, ये देखिए दो रिकॉर्ड जो शंकर नाम के दो रिकॉर्ड थे जिनका रोल नंबर सेम था 3, वो दोनों रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो चुके। लेकिन कल भी मैंने बताया था इसको मैं रोल बैक कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। कमिट भी मैंने नहीं किया, इसलिए यदि कमिट कर देते हैं तो रोल बैक नहीं होता है। इसको सेलेक्ट किया, रोल बैक किया, दोनों रिकॉर्ड हमारे वापस आ गए होंगे, आप देख सकते हैं। ये सबसे मेजर डिफरेंस, डिलीट करने के बाद हम रोल बैक यूज कर सकते हैं और हम उसको वापस ला सकते हैं। इसके बाद यदि अब हम टर्निकेट यूज करेंगे, टर्निकेट टेबल और टेबल का नाम, देखिए पूरे रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो, एसटी इनफो। इसमें हम पहली बात तो क्वेरी क्लास यूज नहीं कर सकते थे, पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते थे, एक साथ पूरे रिकॉर्ड हमारे क्या हो गए, डिलीट हो। नो डेटा फाउंड, कोई डेटा नहीं है। अब मैं रोल बैक चलाता हूं स्टूडेंट और इसको फिर चेक करते हैं, नो डेटा फाउंड। टर्निकेट यूज करने के बाद आपको वापस रिकॉर्ड नहीं आएंगे रोल बैक करने पे भी। ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस, डिलीट और टर्निकेट, डिफरेंस बिटवीन डिलीट और टर्निकेट। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने आज समझा कि टर्निकेट और डिलीट के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात है कि हम डिलीट कमांड के माध्यम से पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं और एक से अधिक रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी टेबल बनी होगी कि नहीं। टेबल को चेक करने के लिए देखिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, कहीं टेबल तो नहीं डिलीट हो गई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैग, या साइज बढ़ा देता हूं मैं थोड़ा, ये देखिए आपकी टेबल बनी हुई है, ये देखिए टेबल आपकी डिलीट स्टूडेंट नहीं हुई। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं स्टूडेंट। दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आप पहले जो ओरिकल चलता था कमांड लाइन से चलता था, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी हम कमांड लाइन में यूज कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ सर, मैंने ओरिकल का 19C वर्जन डाउनलोड किया है। सर थोड़ा इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दीजिए। 19C तुमने पूरा डाउनलोड कर लिया है? जी सर। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी यहाँ कैसे, आप अलग से पूछ लेना ना हमसे। ठीक सर। ठीक है, अलग से बताना। वैसे 11G पूरी तरह से वो सर्वर पे होगा, 19C कौन सा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है वो देखना पड़ेगा। एक बार इंस्टॉल करके देखो ना, कोई प्रॉब्लम आ रही क्या। ठीक सर। उसको रन किए हो कि नहीं ये बताओ। अभी सर डाउनलोड अभी खत्म हुआ है डाउनलोड। हाँ तो देख तो लेना, यदि 19C हो जाता है तो अच्छा ही है, लेकिन सर्वर बेस पे है पूरा। ठीक है, नहीं तो फिर अपनी बाद में। हाँ बाद में व्हाट्सएप कॉल करता हूँ। हाँ ठीक।
तो हम आपको कमांड लाइन बताने वाले थे, कमांड लाइन पे आप मतलब ओरेकल 11g को कमांड में भी चला सकते हैं। ये देखिए रन एसक्यूएल कमांड लाइन, पहले इस तरीके से ओरेकल चला करता था। ये यहाँ पे आपको देखिए क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले आपको कनेक्ट लिखना होगा। अभी कोई कनेक्ट नहीं होगा, मतलब किसी यूजर के अंदर जाना होगा, जो हमारे यूजर उसमें बने हैं। कनेक्ट यूजर नेम मांगेगा, SICS नाम का हमारा यूजर है, पासवर्ड दिया, ये देखिए कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ यदि आपको टेबल देखना है तो आप लिखेंगे सेलेक्ट, कमांड वही चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पे भी ऐसा मिलता है तो आप उसको चला सकें। टैब अंडर, जैसे आपको पूरी टेबल देखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, मान लीजिए यहाँ सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी होगा। जब आप कमांड लाइन से चलाएंगे तो सेमी कॉलन आपको देना कंपलसरी है। 11G के उस पे सेमी कॉलन नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए जो हमारी टेबल है वो बनी हुई, एस टी इनफो S1 आप देख सकते हैं। अभी इसका मान लीजिए हमको रिकॉर्ड देखना है, तो रिकॉर्ड तो हमने सभी डिलीट कर ही दिया है, स्टार फ्रॉम एस टी इनफो यहाँ लिखेंगे सेमी कॉलन, रन किया, देखिए कोई डेटा नहीं है। एस के देखना है, आप एरो की से इसको ला सकते हैं, कमांड को रिपीट कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं। अब यहाँ से मान लीजिए हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं स्क्रीन पर, इसका स्ट्रक्चर देखना है कि कौन कौन सा वो बना हुआ है इसमें फील्ड, DESC मैंने बताया था, और टेबल नेम ST इन्फो, ST है। ये देखिए इसमें जो जो फील्ड है आपको दिखा देगा, रोल नंबर, देखिए नंबर टाइप का है, साइज इतना है, एफ नेम बना हुआ है, वर्कर है, और इसी प्रकार से आपका सिटी है, सैलरी है, एड्रेस है। अब मान लीजिए यहाँ से रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम ST इनफो वैल्यू, रिकॉर्ड उसी प्रकार से इंसर्ट करेंगे। यहाँ रोल नंबर हमने दिया और सिंगल कोट में मैंने दिया एस नेम में रामू, और फिर मैंने सिटी दिया बांदा, और फिर सैलरी जो आपका न्यूमेरिक होगा उससे सिंगल कोट देने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आपको मालूम है। सैलरी इंटर किया और इसके बाद हमको क्या देना है, एड्रेस सीतापुर, और इसको सेमी कॉलन लगाना इसमें कंपलसरी है, इंटर कर देंगे आप सीधे, वन रो क्रिएटेड। फिर से यदि वही रिकॉर्ड इंसर्ट करना है स्टूडेंट तो आप एरो की प्रेस करिएगा, ऑटोमेटिक आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, दो रिकॉर्ड इंटर किया हमने, इस तरीके। ये देखिए अब हम टेबल देखेंगे, सेलेक्ट स्टार ST इनफो, ये देखिए रिकॉर्ड आपको दिखा देगा, क्योंकि स्पेस ज्यादा होने के कारण इस तरीके से दिखा रहा है, इनमें साइज बहुत ज्यादा है, पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो ऐसा दिखाया। पहला रिकॉर्ड 1 रामू बांदा सीतापुर सैलरी है, दूसरा रिकॉर्ड एक सिस्टमेटिक नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये साइज के आधार पे स्पेस लेता है स्टूडेंट, और हमने बहुत ज्यादा साइज दे रखा है। विर्थ जो यहाँ पे दिया है, देखिए आप देख सकते हैं 10th रोल नंबर का है, फिर 70 करेक्टर इसका है एफ नेम का, फिर 20 करेक्टर सिटी का है, सैलरी का है 10.2 और एड्रेस का 50, इसलिए ऐसा इसमें दिखाया। बाकी आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसे भी,
कुछ कमांड ऐसे होते हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट पे ही चलते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको तो कौन से हैं कैसे, और कुछ आप जीयूआई पे भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको यूज किया और उसको बंद करना है, तो हमने एग्जिट लिखा, क्लोज किया। अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा क्या वो रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे आ गए हैं कि नहीं, एक बार आप रिफ्रेश कर लेंगे इसको और फिर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटी इन्फो। ये देखिए हमने वहां पे रिकॉर्ड कमांड लाइन से इंसर्ट किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे हम कमांड लाइन से चलाएं या कहीं से चलाएं, हमारा डेटाबेस वही है, यूजर वही था, टेबल भी हमारी वही थी, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ओरिकल में कई तरीके से वर्क किया जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जो भी मैंने वर्क बताया कमांड के माध्यम से ही बताया है, अभी मैं एक दिन जीयूआई पे ही बताऊंगा कि आप डायरेक्ट जीयूआई का यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी भी बिल्डअप कर सकते हैं, जैसे आप एमएस एक्सेस के यूज किए होंगे उस तरीके से भी आप इसमें टेबल बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको एक दिन बताऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट कमांड, यहाँ पे हमारे दो कमांड पूरे होते हैं, डीडीएल और डीएमएल। मैं एक बार चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने पूरे डीडीएल के कमांड पढ़ लिए, क्रिएट पढ़ लिया, ड्रॉप पढ़ लिया, अल्टर पढ़ लिया, ट्रंकेट पढ़ लिया, और डीएमएल के भी हमने पढ़ लिए, इंसर्ट पढ़ लिया, अपडेट पढ़ लिया, डिलीट पढ़ लिया। हमने डिलीट और ट्रंकेट के बीच में डिफरेंस भी सीख लिया। अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उसके अंतर्गत देखिए क्या, ग्रांट और रिवोक कमांड पढ़ना, फिर टीसीएल पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम बात करेंगे डीसीएल की, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और यूज करिएगा। अब बताइए किसी का ओरिकल अभी तक इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, जितने लोग कनेक्ट हैं उनमें? हो गया सर, हो गया। किसका? राहुल जी सर। अच्छा कौन सा वर्जन किया है सर? 11 जी, कल कॉलेज आ थी सर, कॉलेज से ले गए। अच्छा कॉलेज से ले गए, चलो बहुत अच्छा। और किसी का सर? मोबाइल में चल जाएगा, मोबाइल पे सब कुछ कहाँ चलेगा, डेटाबेस है ये। सर लैपटॉप जैसे खराब हो गया हो तो किसमें सर यूज करेंगे है? सर लैपटॉप खराब हो गया है। हाँ तो देख लो जैसा भी हो, है ना, मोबाइल पे बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन हम बता सकते हैं या यूज कर सकते हो जिसपे कमांड रन कर सकते हो, तो ठीक है सर, बाकी प्रॉपर नहीं चले। सर हाँ हाँ बोलो सर, मेरे सिस्टम की रैम कम है तो रैम में एक करके बोलो सर। रैम हाँ, रैम बढ़वा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप में ना ना सिस्टम है कंप्यूटर। हाँ हाँ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा सर। और क्या चेंज करना पड़ेगा? रैम बस चेंज करो तो नहीं, रैम अब वो देखेगा सिस्टम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोसेसर कौन सा है। यदि रैम और प्रोसेसर चेंज होने लायक होंगे तो फिर तीन चीजें चेंज होंगी। देखो मेन, यदि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम प्रोसेसर और मदरबोर्ड अच्छा होगा तो रैम भर में काम बन जाएगा, ठीक है। और यदि प्रोसेसर मदरबोर्ड भी कमजोर है तो फिर मदरबोर्ड प्रोसेसर रैम तीन आइटम चेंज होंगे, ठीक है। और तुम्हें मालूम है प्रोसेसर कौन सा है तुम्हारे पास? सर वो लो नीचे वाला है ना, i2 है ना, i2 से भी नीचे है। अच्छा i3 चाहिए कम से कम, है ना, हो सके। और 4 GB कम से कम रैम चाहिए। आजकल मोबाइल देखते हो तुम, 4-6 GB के तो मोबाइल लिए हो, है ना, और सिस्टम कम से कम 4 GB तो चाहिए ही, ठीक है। ट्राई करो। प्रोसेसर, हाँ प्रोसेसर कितने i3 कितने तक का पड़ जाएगा? अब ये तो हार्डवेयर वाले से पता कर लेना, इस समय हमें करंट का पता नहीं है, लेकिन मान के चलो कि जैसा मिल जाएगा, क्योंकि i3 में भी कई जनरेशन होते हैं, 2000 से 3000 के बीच में आ जाएगा। उसमें भी सेकंड जनरेशन, फोर्थ, इस समय 10th generation चल रहा, ठीक है। अब कौन सी जनरेशन का ले रहे हो इस पे डिपेंड होता है। सर हाँ हाँ मेरा बता दीजिए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाए, टाइम लगेगा?
हाँ इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाए तो उसका सेटअप तो रन करो, सेटअप है उसमें कि नहीं पहले, कौन सी फाइल की हो? फाइल सर जीआईपी है, जिप जिप फाइल, जीआईपी फाइल है। अरे वो उसमें 90 में हमको मालूम है ना बहुत दिक्कत जाएगी तुमको, उसको तो एक्सट्रैक्ट करो पहले जिप फाइल को, फिर उसकी सेटअप फाइल को रन करो, फिर क्या बताता है ये बताओ। ठीक है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद वो बताएगा। ठीक, देखता हूँ यूट्यूब से देखता हूँ। हाँ हाँ, देख के यदि कोई प्रॉब्लम आए तो फिर कॉल कर लेना। ठीक है जी सर, अलग से क्योंकि क्लास का टाइम होता है ना लिमिटेड, वो फिर ओवर हो जाएगा। और यदि किसी को दिक्कत है ना ओरिकल पे तो वो आप कॉलेज से ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, यदि यहाँ आ सकते हो कोई भी तो कॉलेज से आइएगा, तो हम आपको सॉफ्टवेयर दे देंगे लेवल में। ठीक, या एक दो लोग ले जाओ, फिर उधर अपना पेन किसी तरीके से शेयर कर लो, पेन ड्राइव वगैरह में। सर 2GB में काम नहीं होगा? 2GB में देख लो, 2GB वो विंडो 10 पड़ा है? नहीं सर, विंडो 10 नहीं, 7 होगा, विंडो 7। हाँ तो 7 में ना चल पाएगा ना, प्रॉब्लम तो ये है, चलेगा बहुत स्लो चलेगा। ये स्पेस बहुत लेता है ना, सर्वर है। ठीक, एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, 11 जी से नीचे तो चलाना नहीं है देखो। ठीक है, फिर तो 9i भी आता है, 8i, लेकिन वो नहीं चलाना, उनमें फिर ये GUI नहीं मिलेगा, सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा जो आज बताया ना हमने, तो उसमें सिर्फ कमांड ही चलेगा, 11G से ही GUI मिलेगा। इससे ऊपर का कोई वर्जन मिल जाए अच्छा है, 9C मिल जाए, 12C मिल जाए, 18C मिल जाए, ये लेटेस्ट वर्जन है, चल जाएगा। ठीक है, ओके ओके, तो आज की क्लास क्लोज करते हैं। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप अलग से मैसेज या कॉल करें। क्लोज ओके।